हाँ ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमें एक्स और वाई पॉइंट मिल गए, और अब देखो एक्स वाई और डी ये सारे पॉइंट इसी लिंक के ऊपर हैं। एक्स वाई और डी स्ट्रेट लाइन में है, तो यहाँ पे भी एक्स वाई और डी स्ट्रेट लाइन में ही मिलेंगे। देखो एक्स वाई और ये डी है, इसके ऊपर भी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर टू टू कंटेन्स एक्स वाई डी, डी इसी के ऊपर आएगा। और हम डी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जो एक्स वाई और डी एक्स इन डिस्टेंस की रेशियो इस डायग्राम पे है, एक्स वाई और डी एक्स की सेम रेशियो इस डायग्राम पे मिलेगी, तो उससे हमें ये एक्स डी ये डिस्टेंस मिल जाएगा, और उसके हिसाब से हम पॉइंट डी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें डी मिल गया, तो अब हमें वेलोसिटी ऑफ डी मिल गई है। ये जो देखो वी डी, ये जो ओ से लेके डी तक का वेक्टर है, ये वेलोसिटी ऑफ डी है। हमें पॉइंट बी ड्रॉ करना है, जैसे बी, ठीक है। तो बी इसमें अब देखो एक्चुअली अलग अलग तरीके हो सकते हैं बी ड्रॉ करने के। हमने जेड नहीं इंक्लूड किया, इन्होंने यहाँ पे जेड भी लिखा है। बी ड्रॉ करने का एक तरीका ये हो सकता है, यहाँ पे हमने डी एक्स और डी बी इसके बीच का ये एंगल मेजर किया, थीटा, थीटा एंगल है डी एक्स और डी बी। तो यहाँ पे भी इस डायग्राम पे भी ये डी एक्स और डी बी के बीच का एंगल थीटा ही मिलेगा, तो ये डी एक्स है और ये बी, यहाँ पे ये बी है। आप थीटा एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो और बी उसके ऊपर मिलेगा, थीटा एंगल पे जो आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो और थीटा एंगल कैसे देखोगे, देखो इस डायग्राम पे डी एक्स बी, डी एक्स बी ये हैं क्लॉकवाइज ऑर्डर में, तो इस डायग्राम पे भी डी एक्स बी क्लॉकवाइज ऑर्डर पे मिलेंगे। तो डी एक्स बी, बी इस तरफ आएगा, बी इस तरफ आएगा, बी इस तरफ नहीं आएगा, फिर ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो हमने थीटा एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, बी उसके ऊपर लाई करेगा, और उसके बाद जो डी एक्स और डी बी की रेशियो इस डायग्राम पे है, सेम रेशियो डी एक्स और डी बी की इस डायग्राम पे होगी, तो हम पॉइंट बी को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो बी आ जाएगा। तो इसी तरह से प्रोसीड करके आप और स्टेप्स यहाँ देख के डायरेक्टली समझ जाओगे, मैंने आपको आइडिया दे दिया, ये पूरा डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, पॉइंट सी भी आ जाएगा। तो आपको वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ डी, ये सारा वेलोसिटी एनालिसिस हो गया है। किसी भी लिंक का ओमेगा निकालना है, जैसे ओमेगा फोर निकालना है, ओमेगा फोर, तो उसके लिए हम इस लिंक के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स ले लें। जैसे हमने दो पॉइंट्स मान लो हमने ले लिए बी और डी, ले लिए बी और डी, ठीक है। तो बी और डी से का जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है डी से बी का, ये है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू डी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू डी। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा आर ओमेगा, बी से लेके डी तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस टाइम्स इस लिंक का ओमेगा। तो ये डिस्टेंस हमें पता है, उनकी रेशियो लेंगे तो हमें ओमेगा मिल जाएगा, तो ओमेगा फोर मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें सारी ओमेगा मिल जाएंगी, वेलोसिटी एनालिसिस हो गया है हमारा। तो अब देखते हैं एक्सेलरेशन एनालिसिस के लिए। एक्सेलरेशन एनालिसिस के लिए जैसे हमने वेलोसिटी की लिखी थी, ऐसे ही हम अब हम एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन लिखेंगे। हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ एक्स, ठीक है, और उसी तरह से दो डायरेक्शंस में लेना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ एक्स इन डायरेक्शन वन इक्वल्स, डायरेक्शन वन के लिए वैसे जैसे हम पहले गए थे पॉइंट ए प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये सारे के सारे डायरेक्शन वन, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बनी। अब ये हो जाएगी
एक्सेलरेशन ऑफ ए इन डायरेक्शन वन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इन डायरेक्शन वन। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की विद रिस्पेक्ट टू ए दो एक्सेलरेशन होगी, एक तो सेंट्रीपिटल इस तरफ और एक इसके परपेंडिकुलर टेंजेंशियल। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन वन में होगी बी ए टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, इस लिंक का जो ओमेगा है। तो अगर इस लिंक को हमने लिंक को नाम दो दिया हुआ था, ये हमारा लिंक टू, ठीक है, और ये है लिंक फोर। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इस डायरेक्शन में हो जाएगी ये ए बी टाइम्स ओमेगा टू स्क्वायर। सिर्फ सेंट्रीपिटल कंपोनेंट लेना होगा, उस डायरेक्शन में सिर्फ वही है। तो ये हो जाएगी ओमेगा टू स्क्वायर टाइम्स ए बी, और इसकी डायरेक्शन होगी उसमें से ना ये डायरेक्शन होगी बी से ए की तरफ, ये डायरेक्शन। तो दूसरी टर्म ये हो गई। और एक्सेलरेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू बी, ये भी सिमिलरली एक्स और बी सेम बॉडी पे हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू बी, इसमें भी सिर्फ सेंट्रीपिटल कंपोनेंट आएगा ओमेगा फोर स्क्वायर टाइम्स ये जो बी से एक्स तक का डिस्टेंस है ये, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी एक्स विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो तो एक्स से लेके बी तक इसी डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है। तो अब ये डायग्राम पे हमें प्लॉट करना है। चलो एक इक्वेशन मिल गई हमें एक्सेलरेशन ऑफ एक्स इन डायरेक्शन वन, और अब हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। ओमेगा टू और ओमेगा फोर हमें वेलोसिटी एनालिसिस से मिला था, और एक्सेलरेशन ऑफ ए हमें पता है, उसको हम प्लॉट करके उसका डायरेक्शन वन में हम कॉम्पोनेंट ले सकते हैं। तो देखेंगे इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। अब दूसरी इक्वेशन लिखता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ एक्स इन डायरेक्शन टू। तो डायरेक्शन टू के लिए हम गए थे पहले पॉइंट डी पे और फिर एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी, जैसा हमने पहले लिखा था वेलोसिटी के लिए, और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ एक्स इन डायरेक्शन टू डी प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी। एक्सेलरेशन ऑफ डी इन डायरेक्शन टू क्या होगी, इस डायरेक्शन में सिर्फ आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी इस डायरेक्शन में वो भी सिर्फ सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पे दोनों इस तरह के आएंगे, जो ये पहली टर्म है ये हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर टाइम्स जो डिस्टेंस है वहां पे ओ सिक्स डी, और ये होगी टुवार्ड्स ओ सिक्स प्लस, और ये जो दूसरा कंपोनेंट है ये ओमेगा स्क्वायर, ये भी आर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा फोर स्क्वायर टाइम्स एक्स टी, दोनों के दोनों टुवार्ड्स ओ सिक्स, ठीक है। तो इनको हम प्लॉट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन ऑफ एक्स दो डायरेक्शन में हमें मिल गई। तो हम हमारा प्लॉट करने का इसके बाद हम देख लेते हैं। तो एक्स पॉइंट हमें एक्सेलरेशन डायग्राम पे मिल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी की तरह जब हम एक्सेलरेशन डायग्राम बनाएंगे, प्लॉट करने का बाद में देख लेते हैं। इसी तरह हम एक्सेलरेशन ऑफ वाई लिखेंगे इन डायरेक्शन टू। अब देखो वाई इन डायरेक्शन टू, एक्सेलरेशन ऑफ वाई इन डायरेक्शन टू, y तक मैं जा सकता हूँ d और फिर ये यूज कर, या मैं ऐसा भी जा सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ x प्लस एक्सेलरेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ y के लिए इक्वेशन। मैंने अगर ऐसा लिखा, मैं लिख दिया एक्सेलरेशन ऑफ x प्लस एक्सेलरेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों की दोनों डायरेक्शन टू में, एक्सेलरेशन ऑफ x मुझे मिला हुआ है, ये तो मैं निकाल लूंगा डायरेक्शन टू में क्या है ये, और जो दूसरी टर्म है यहाँ पे ये हो जाएगी ओमेगा फोर स्क्वायर टाइम्स एक्स से वाई तक का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, और ये होगी इस डायरेक्शन में, ये है एक्सेलरेशन ऑफ
वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो वाई यहां पर है, वाई एक्स यहां पर है, वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेंट्रिपिटल कंपोनेंट ये ऐसे जाएगा वाई, वाई से एक्स की तरफ, तो आपका वाई इधर है एक्स इधर है, फिजिकल पॉइंट्स वाई एंड एक्स इस डायरेक्शन में जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ वाई हमने डायरेक्शन टू में लिख दिया, इसी तरह से डायरेक्शन थ्री में लिखेंगे। इक्वेशन लिख देता हूँ जस्ट, एक्सेलरेशन ऑफ सी प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू सी डायरेक्शन थ्री में, और ये देखना ये आ जाता है ओमेगा फाइव स्क्वेयर टाइम्स ओ फाइव सी, और इसकी डायरेक्शन होती है नीचे की तरफ टुवर्ड सी, प्लस ये वाला आ जाता है ओमेगा फोर स्क्वेयर टाइम्स वाई सी, और ये था एक्सेलरेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू सी, वाई विद रिस्पेक्ट टू सी ये भी नीचे की तरफ आए। y से लेकर c तक, तो ये हमें पता है। तो अब हमने इक्वेशन लिख लिया और हमने ये देख लिया कि हमें एक्चुअली इन सब चीज़ों को, हम जो भी इक्वेशन में लिखा है इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ड्रॉ करने का मामला बचा है बस इनको, और थोड़ा सा टीडियस है वो, चलो देखते हैं फिर भी। अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन में देखोगे तो ये किया हुआ है इन्होंने, देखो ये है एक्सेलरेशन डायग्राम, तो हम मैं थोड़ा सा उस पर इनिशिएट करके दिखाता हूँ, फिर आप इसको स्टडी करोगे तो बड़ा सिंपल है कुछ, यहाँ पे वैसे फैंसी कुछ नहीं है। ये अभी हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आगे मैं नहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन आगे एक दो और मैकेनिज्म के एग्जाम्पल दिए हैं जिनका एनालिसिस किया हुआ है, जैसे इसका एनालिसिस किया हुआ है, तो आप अपनी जो हमने डिस्कस किया है उसी को आगे एक्सटेंड कर सकते हो, थोड़ा सा खुद का दिमाग भी लगेगा, और देखोगे और एग्जांपल्स में भी इस मेथड को कैसे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी हम ये फिगर हम समझते हैं, जो हमने इक्वेशंस लिखी थी उसके हिसाब से ये एक्सेलरेशन डायग्राम कैसे बनाया। तो पहले देखते हैं इस डायग्राम, हमने एक ओरिजिन लिया, ये ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट से सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, क्योंकि वो हमें पता है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में आर ओमेगा स्क्वायर, इस लिंक की अल्फा जीरो था तो सिर्फ आर ओमेगा स्क्वायर नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए हमने ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया, यहाँ से ओरिजिन से ही हमने ये डायरेक्शंस ड्रॉ की हुई हैं, ये है डायरेक्शन नंबर वन, ये ऊपर की तरफ जो जा रही है लाइन डायरेक्शन थ्री, और ये है डायरेक्शन टू। तो हमने एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लॉट किया था यहाँ पे, अब इस पॉइंट से यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लगा देंगे, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये जो छोटा वेक्टर इधर मिलेगा ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए इन डायरेक्शन वन, ये ओ से लेके ए डैश तक का, ओ से लेके यहाँ पे इस पॉइंट को ए डैश बोला है, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ए इन डायरेक्शन वन, ठीक है। अब इक्वेशन एक बार देखते हैं, देखो इस इक्वेशन में था एक्सेलरेशन ऑफ ए इन डायरेक्शन वन प्लस ओमेगा टू स्क्वेयर ए बी इस डायरेक्शन में, ये भी तो डायरेक्शन वन ही है, ओमेगा फोर स्क्वेयर बी एक्स इस डायरेक्शन में, ये सारी की सारी ये डायरेक्शन वन है, क्योंकि डायरेक्शन वन का हम कर रहे थे यहाँ पे, तो ये हमने प्लॉट कर दिया आगे इस पॉइंट से लेके डायरेक्शन वन में ही, ये जो प्लॉट किया है एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इन डायरेक्शन वन, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू बी इन डायरेक्शन वन, हमने ये इक्वेशन लिखा हुआ है जो उसका मैग्नीट्यूड निकाला और प्लॉट कर दिया। तो आप अब यहां तक आ गए, डायरेक्शन वन में आ गए हो, अब आप डायरेक्शन वन में और नहीं जाना है, अब किस डायरेक्शन में जा सकते हो, वन के परपेंडिकुलर, तो हमने डायरेक्शन वन के परपेंडिकुलर एक लगा दी, ये जो लाइन है यहाँ पे देख रहे हो ये लाइन लगाई है डायरेक्शन वन में, हम यहां तक आ गए थे, अब उसके परपेंडिकुलर
और इस लाइन के ऊपर लिखा है कंटेन्स एक्स, ठीक है। तो एक्सिलरेशन ऑफ एक्स के लिए हम डायरेक्शन वन में तो आ गए, वन में और नहीं जाना है। अब आंसर जो है उसके परपेंडिकुलर पे कहीं लाई करेगा, यहाँ पे कहीं लाई करेगा। अब यहाँ पे कहाँ पे लाई करेगा उसके लिए हम दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे, एक्सिलरेशन ऑफ एक्स इन डायरेक्शन टू, ठीक है। उसके ये दो कॉम्पोनेंट्स हैं, ओमेगा सिक्स स्क्वेयर ये और ओमेगा फोर स्क्वेयर एक्स डी, और ये दोनों के दोनों कॉम्पोनेंट है टुवर्ड्स ओ सिक्स डायरेक्शन टू। डायरेक्शन टू कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन, इधर ऊपर की तरफ जा रहे हैं दोनों कंपोनेंट ऐसे हैं, ठीक है। तो अब इनको हम प्लॉट कर सकते हैं। तो ओरिजिन से ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायरेक्शन टू में हमने ये प्लॉट कर दिया एक्सेलरेशन ऑफ डी इन डायरेक्शन टू, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक प्लॉट कर दिया एक्सेलरेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी इन डायरेक्शन टू, उसका जो मैग्नीट्यूड आया यहाँ तक प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब डायरेक्शन टू में और नहीं जा सकते हम, टू में इक्वेशन के हिसाब से हम जा चुके हैं, अब टू के परपेंडिकुलर जा सकते हैं। तो उसके परपेंडिकुलर ये लाइन लगाई और इस लाइन पे लिख दिया कंटेन्स एक्स। अब एक्स को इस लाइन पे भी होना था और इस पे भी होना था, दोनों का इंटरसेक्शन ये पॉइंट आ गया, तो हमें एक्स मिल गया। तो ओ से लेके एक्स तक का जो वेक्टर है, ओ से लेके एक्स तक का, ये हमें दे रहा है एक्सीलरेशन ऑफ पॉइंट एक्स, ठीक है। इसी तरह का हम प्रोसेस फॉलो करेंगे और दूसरी इक्वेशन यूज करके हम पॉइंट वाई इस पे ड्रॉ कर लेंगे। तो मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे सेम चीज है, देखो कंटेन्स वाई, इस लाइन पे लिखा है कंटेन्स वाई और इस पे लिखा है कंटेन्स वाई, दोनों के इंटरसेक्शन पे हमें ये पॉइंट मिल गया, हमें एक्स और वाई मिल गए, एक्स और वाई की एक्सेलरेशन हमें मिल गई, ठीक है। और उसके बाद बाकी चीजें, बाकी जो हमें इस डायग्राम पे ड्रॉ करना है उसके लिए हम एक्सेलरेशन इमेज यूज करेंगे, जैसे वेलोसिटी इमेज होता है। तो देखोगे यहाँ पे एक्स और वाई इसी लाइन के ऊपर पॉइंट डी को लाई करना है, एक्स वाई के ऊपर, देखो डी इधर आया ना फाइनली, एक्स और वाई इसी को कंटिन्यू करोगे तो डी आएगा, तो यहाँ पे डी, और डी को इस लाइन के ऊपर भी लाई करना था। क्यों इसके ऊपर लाई करना था, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ डी इन डायरेक्शन टू तो हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया था, अब डायरेक्शन टू में और नहीं जा सकते थे, टू के परपेंडिकुलर जा सकते थे, तो डायरेक्शन टू के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, डी को इस पे होना था और इस पे भी होना था, दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो ये हमें पॉइंट डी मिल गया, ठीक है। इसी तरह से ये थीटा और फाई एंगल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, जो यहाँ पे थीटा और फाई एंगल है इमेज बनाने के लिए, उन एंगल्स को यूज किया है, तो आपको ये एक्सेलरेशन डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड था, मेथड ऑफ ऑक्सिलरी पॉइंट, ये एप्लीकेबल है फॉर, यहाँ पे हमने एक लो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी मैकेनिज्म लिया, उसके लिए एग्जांपल यहाँ पे सोल्व किया हुआ था, ये एप्लीकेबल देखा हमने, और आगे सोल्व किया हुआ एक हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी सोल्व किया हुआ है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर इंटरेस्टेड हो और समझना चाहते हो तो इसमें से आगे पढ़ के और समझ सकते हो, और ये टॉपिक सारे के सारे, ये जो ज्योमेट्रिकल टॉपिक हैं, ज्योमेट्री ज़्यादा लगती है इनमें, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि अनलेस अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेके ट्राई करोगे, इक्वेशन लिख के खुद बनाओगे, वो आएगा नहीं, माइंड में फिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी। तो हमारा यूनिट वन ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है, मैं एक बार सिलेबस को रेफर करता हूँ। हमने डेफिनेशन, एजम्पशन, ये प्लेनर स्पेशियल मैकेनिज्म, काइनेमेटिक पेयर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इक्विवेलेंट मैकेनिज्म बचा है, ये बाद में एक लेक्चर में कर लेंगे, छोटा ही टॉपिक है। काइनेमेटिक एनालिसिस ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म, ग्राफिकल मेथड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड ऑक्सिलरी पॉइंट मेथड, ठीक है। तो ये कंप्लीट मोर और लेस हो गई है हमारी यूनिट वन कंप्लीट।